असल गाय सबसे फाइन योर स्टडीज़ गोइंग वर्ल्ड टोअ टॉपिक ऑफ द वीडियो इज फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डेंटल प्रोसीजर्स ठीक है आ, इसमें आपको थोड़ा सा मैं गाइडा लिख करूँगी कि फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग अपने करना किधर से उसके बाद में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं आप इन नोट्स से जो है वो याद कर सकते हैं ठीक है ये नोट्स तकरीबन तो फ़िलिप्स के हैं ठीक है जो मतलब फ़िलिप्स के एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे उनको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है ठीक है आप यहाँ से वो चीज़ें कर सकते हैं बाकी चीज़ें जो हम आपने बुक से करनी है कौन से बुक से करनी है किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको पूरा गाइड करूँगी ठीक है हम वीडियो को टू पार्ट्स में जो डिवाइड कर लेंगे ठीक है और फिर आप वो दोनों वीडियोस देख लेना ताकि आपका फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए दोनों एम सी क्यू और एस क्यू के लिए जो है वो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें से लास्ट में क्वेश्चन आता है लास्ट टाइम जो है वो फ़िलिप्स में से आया था ठीक है फिलिप्स के कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन जो मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने करने हैं ठीक है उनको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना ठीक है और अगर आप चाहते हैं कि उनकी क्वेश्चन की डिस्कशन हो जाए उनके आंसर्स जो हैं वो आपको पता चल जाए करेक्ट कौन से हैं ठीक है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मैं उनके ऊपर भी डिटेल वीडियो जो है वो बना दिया करूँगी ठीक है टॉपिक वाइज हर चैप्टर की ठीक है तो so, हमारे पास एक बुक है जी ठीक है मैन जो है ठीक है ये लिखा हुआ है तो एक ये वाली बुक है एक शर्मिला हुसैन बुक है मकेब है फिलिप्स है बहुत से बुक्स हैं ठीक है लेकिन आई सजेस्ट कि आप जो है पहले नंबर पे मेप्ल से इसको पढ़ें ठीक है उसके बाद शर्मिला पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी वो आपने वहाँ से करने हैं ठीक है थीके? क्योंकि आ, हर दफ़ा पेपर किसी एक बुक से नहीं आता ठीक है जो बच्चे कहते हैं कि सब एक बुक करके हमारा पेपर हो जाएगा तो वैसा नहीं है ठीक है मतलब कि सारे क्वेश्चन एक ही बुक से नहीं आते ठीक है डिफरेंट डिफरेंट आते हैं तो आपको हर चीज़ जो है वो पढ़ पर, पढ़नी पर, पड़ेगी पता होना चाहिए किस से करना है ठीक है तो इसमें फिनिशिंग और पॉलिशिंग हम पहले देख लेते हैं और हर चीज़ भी नहीं करनी होती ठीक है टॉपिक वाइज मतलब स्मार्ट स्टडी करनी होती है तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूँगी इसमें हमारे पास आ जाता है फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ठीक है नेक्स्ट चैप्टर निकाल कहा लग ओके okay, तो हमारे पास एब्रेशन एंड पॉलिशिंग चैप्टर नंबर ट्वेंटी टू आ गया इसमें जो हमारे पास ये सारी आउटलाइंस लिखी हुई हैं इनका मैं पहले आपको बता देती हूँ कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने यहाँ से करनी है उसके बाद हम इसको आगे भी डिटेल देख लेते हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो हमारे पास डेफिनेशन एब्रेशन एंड पॉलिशिंग की आपको डेफिनेशन बतानी चाहिए इनका डिफ्रेंस पता होना चाहिए एब्रेशन की टाइप्स का पता होना चाहिए दैन आपको इसमें रेट ऑफ एब्रेशन पता होना चाहिए क्लासीफिकेशन सारे टाइप्स के नाम आपको आने चाहिए और इनके फंक्शन आने चाहिए ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पिछली दफ़ा जो है ये पी जो है ये सब्डी में हुआ था इसका फंक्शन क्या है ठीक है तो ये सारे आपको इनके फंक्शन आने चाहिए इनके नाम आने चाहिए डिजर्व कैक्टिस्टिक्स का बता होना चाहिए ठीक है उसके बाद हमारे पास पॉलिशिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं इनके नाम इनके फंक्शन आने चाहिए ठीक है देन हमारे पास बाइंडर्स और बर्ड्स जो बर्ड्स हैं वो अपने शर्मिला से करने हैं यहाँ से यहाँ पर बहुत काम लिखे हुआ है तो बर्ड्स जो है वो अपने शर्मिला से करना है ठीक है उसके बाद अब्रेशन एंड पॉलिशिंग में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रेस्टन एंड नॉन एब्रेस्ट पॉलिशिंग मटीरियल्स में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लेजिंग बहुत

इनके आपको फंक्शंस और क्लासिफिकेशन बता होनी चाहिए ठीक है और इनके फैक्टर्स वगैरह जो हैं ये भी आप शमीला से दफ़ा देख लेना ठीक है रोफिलिटिक एवरेस इनकी डेफिशन्स जो है वाकियों की आपको पता होनी चाहिए ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिए वो ये चीज़ें हैं ठीक है थीके? और जो पर्स हैं वो आपने शमिला हसैन से करनी है ठीक है और कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा फिलिप्स पर लिखी हुई हैं वो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको बता देती हैं उनके साथ आपने जो है इसके वो कर लेने हैं क्रिटिकल क्वेश्चन ठीक है आपको दो दिन अगर आप अच्छे से देना आधा आधा करके तो आपका एब्रेशन एंड पॉलिशिंग चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है ठीक है तीन दिन घंटे आप दो दो दिन पढ़े तो आपका इजीली प्रिपेयर्ड हो जाएगा दो तो तीन बुक्स ठीक है तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एब्रेशन आ जाता है एब्रेशन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपके पास पेपर की बुक पे भी लिखी हुई है वहां पे भी ठीक है यहां पे भी ठीक है ठीक है ये भी लिख सकते हैं मटेरियल्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एब्रेशन इसका लैब्रेसिव मटेरियल्स और एब्रेशन क्या है एब्रेशन की डेफिनेशन लिखी है ये आपने याद कर लेनी है ठीक है बाय विदा सरफेस मेड स्मूथ ठीक है सरफेस को स्मूथ किया जाता है ब्रशिंग एक्शन कि कटिंग एक्शन इसमें यूज होता है ठीक है उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है हिररोयन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है या वो पास पेपर में आ चुका है और ये आपका जो है वो फिलिप्स पे लिखा हुआ है तो आप इस डेफिनेशन को भी नोट कर सकते हैं ताकि आपको फिलिप्स से ज़्यादा ढूंढना ना पड़े जिनके पास नहीं है फिलिप्स वो भी इन चीज़ों को यहाँ से ही कवर कर सकते हैं ठीक है तो एरोसिफ वीअर कास्ट बाय द हार्ड पार्टिकल्स इम्पैक्ट ऑन सबस्ट्रेट सब्फिस कैरीज आईदर बाय द स्ट्रीम ऑफ लिक्विड आर स्ट्रीम ऑफ द ईयर एज अकर इन सैंडलास्ट सैंडलास्टिंग ठीक है अ सरफिस केमिकल इरोन इंडेंटिस्ट्री कार्ड द कार्लेस एसिड एचिंग ठीक है प्राइमरी यूज टू रिमू टू प्रिपेयर टू सर्विस केमिकल पॉलिशिंग इज एडोपरेट क्विकली ठीक है तो इरा की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए एज अ केस ऑफ एब्रेशन एंड पॉलिशिंग ठीक है उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ दबरेशन आ जाती हैं या फिर हम इनको कह सकते हैं टाइप ऑफ द कटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत दफ़ा वास्ट पेपर में पूछी जा चुकी हैं तो आपको टू बॉडी प्रोसेस थ्री बॉडी प्रोसेस का पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड देन इनकी एग्जाम्पल्स पता चाहिए ये जो मैंने लिखी हुई है, आप इनको अपनी बुक पर इसी तरह से नोट कर लीजिए ठीक है क्योंकि मैं अगर डिटेल में सारी सारी लाइन्स बोलने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ठीक है तो आप इसको इस तरह वीडियो को पास कीजिए और इसको अपनी बुक पर नोट कर लीजिए ठीक है उसके बाद एक हमारे पास ये क्वेश्चन था जो कि आपकी फ़िलिप्स की लिखा हुआ है क्रिटिकल क्वेश्चन ठीक है ये हाउ कैन अमाउंट ऑफ डिब्लिकेट आई दर इंक्रीज और डिक्रीज विद एफिशिएंसी ठीक है तो इसका ये आंसर बनता है इसको भी आप नोट डाउन कर लें इंपॉर्टेंट है आ uh, सकता क्वेश्चन ठीक है वीडियो को uh, पॉज करें और इस क्वेश्चन को लिख लें और याद कर लें ठीक है उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है हाँ इसके फैक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और फैक्टर्स इसके जो है वो ऑप्शन मीना हुसैन से याद कर सकते हैं वो आप इजी लिखे हैं ठीक है और हार्डनेस ऑफ द ब्रेन जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए एन सी क्यू में आता है ठीक है हार्डनेस ट्रेन जो क्लीर थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है एक्सप्रेस ट्रेन में इसका क्या रोल है ये बस आप एक रीट दे लीजिएगा ठीक है और उसके बाद रेट ऑफ ए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है साइज ऑफ़ द पार्टिकल्स प्रेशर स्पीड ठीक है और एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आ जा जाती है जो एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस इसमें डिफरेंस पूछा जाता है या आप गूगल से भी देख तो यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है या फिर इसको बल्कि आप शर्मिला से लिखे शर्मिला बहुत अच्छा लिखा हुआ है ठीक है तो एफिशिएंसी और इसका डिफरेंस करना है पेपर में आपको क्वेश्चन आ चुका है ठीक है तो इसलिए अपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे ही इसको नोट डाउन कर लें शर्मिला से के ठीक है साइज ऑफ़ द पार्टिकल्स मतलब कि डीप से स्क्रैचेज़ होते हैं ठीक है सरफेस फास्टर रेट हो जाएगा लार्ज पार्टिकल्स होंगे फास्टर रेट हो जाएगा प्रेशर भी हैवी प्रेशर होगा तो रैपिड रिमूवल ऑफ द मटीरियल होगा ठीक है उस पर स्पीड भी आ जाता है हाई स्पीड होगी रेट ऑफ़ फ्रिक्वेंसी होगी ठीक है तो ये आपने पढ़ लेंगे ठीक है ठीके? उसके बाद स्पीड इंक्रीज़ द रेट ऑफ द ऑपरेशन ठीक है ये पॉइंट्स आपने इसके याद कर लेने हैं फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फाइवा में भी और एससीक्यू में भी आपको पूछे जाते हैं ठीक है उसके बाद इसको बस देख लीजिए अगर क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिनिशंग्रेशन एब्रेसिव्स आ जाते हैं पॉलिशिंग एब्रेसिव्स क्लिनिंग एब्रेसिव्स आ जाते हैं फिनिशिंग एब्रेसिव्स कौन से हैं लालशिंग एब्रेसिव्स कौन से हैं क्लिनजिंग इनकी डेफिशन ठीक है ये जो लिखा हुआ है ये अपने तरीके से प्रिपेयर करना है ठीक है देन हमारे पास टाइप्स ऑफ द एब्रेसिव्स आ जाती हैं ये सारे अपने नाम याद करने हैं और इनके एक एक फंक्शन जो है जितना जितना लिखा हुआ है इसी को बेशा याद कर लें या इनको पॉइंट्स में बना के तो याद कर ठीक है, है तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें किसी एक के बारे में आपसे फंक्शन जो है वो वाइवा में या फिर जो है वो पूछा जा सकता है आपको पहले भी बताया कि लास्ट टाइम प्योमिस जो है उसके बारे में पूछा गया था और डायमंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है या अभी यहाँ से जो मैंने लिखा है इसको भी नोट डाउन कर लें और शर्मिंदा पे जो डायमंड के बारे में सारा कुछ लिखा है वो आपने ज़रूर करना है ठीक है उसको थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है चाहे आप उसको वहाँ से कर लें या यह यहाँ पर स्टिकी नोट लगा के ऐड कर लें एक ही बुक रखा करें और उसी के ऊपर सारी चीज़ें नोट करते जाया करें ताकि लास्ट टाइम पर आपको हर बुक तीन तीन चार चार बुक्स खोल के उनको देखना ना पड़े क्योंकि उस टाइम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके उस टाइम पे आपके पास सिर्फ एक बुक होनी चाहिए ठीक है और इसी का बस टिकी नोट्स करें इसी के ऊपर सारा याद करें ताकि लास्ट टाइम पे आपके लिए इजी रहे ठीक है उसके बाद डिजाइनेबल करेक्ट्रिस्टिक्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना चाहिए इरेगुलर शेप है हार्ड होते हैं हाई इम्पेक्शन ट्रेंड होती है शार्प एज इज ऑलवेज प्रेजेंट है मोर इफेक्टिव इन यूज एंड ऑनल सॉरी एनिमल ठीक है एंड शुड हैव एट्रेशन रेजिस्टेंस एंड इज नॉट व्यू ये डिस्ट्रिक्स याद करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट यू क्यू है बहुत, बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए और एम सी क्यू में भी ये पूछा जाता है इसकी हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है हार्ड होते हैं सॉफ्ट होते हैं ठीक है उसके बाद बाइंड्रीज कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए इनके नाम ठीक है बस आप नाम याद कर लें लेकिन डायमंड बर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये एम सी क्यू की लाइन ऑफ है द डायमंड रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो डिपेंड किस पर करते हैं ठीक है नेचुरल होते हैं सिंथेटिक होते हैं नेचुरल एंड ने सिंथेटिक में डिफरेंस ये मैंने इस पर जो मैंने आपको नोट्स बताए थे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिफ्रेंस मैं आपको वहाँ पर बताती हूँ ठीक है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी क्योंकि अभी वीडियो लंबी हो चुकी है अभी हम ये देखते हैं ठीक है तो ये पॉइंट्स अपने करने हैं जो शर्मिला से कहा है वो अपने शर्मिला से करने हैं जैसे पॉलिशिंग है इसकी आपने एक चीज डेफिनेशन यहाँ से याद करनी है फिनिशिंग भी आप इस पर मैंने प्लेट पर नहीं लिखा हुआ लेकिन मीडिया पर लिखा हुआ है वहाँ से भी आप कर सकते हैं जो पासपोर्ट पर फिनिशिंग के बारे में लिखा हुआ है वो भी इनफ है ठीक है रिमूव द ड्यूरिंग काउंटरिंग प्रोसेस ठीक है और अगर आपके पास फिलिप्स है तो फिलिप्स से भी आप कर सकते हैं ठीक है उसके बाद इसके एजेंट्स के नाम उनको आपको आने चाहिए फिनिशिंग का पर्पस आपको बताना चाहिए इसके फंक्शंस ठीक है करैक्टरिस्टिक्स बताने चाहिए फिनिशिंग और पॉलिशिंग में डिफरेंस आपको आना चाहिए ठीक है बाकी हमारे पास आ जाता है ब्रेशन और पॉलिशिंग में डिफरेंस ये आपने ये वाला याद नहीं करना इतना ठीक नहीं लिखा हुआ ठीक है अगर से ये डिफ्रेंस नहीं बना हुआ इसको आपने कोशिश करनी है कि आप इसको जो है वो गूगल करें गूगल के ऊपर ब्रेशन एंड पॉलिशिंग में जो डिफरेंस लिखा हुआ है उसको आप लिख यहाँ पर नोट डाउन कर लें बेस्ट स्टिकी नोट ठीक है उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है नॉन एब्रेसिव पॉलिशिंग मटीरियल एब्रेसिव इसी या नॉन प्रेसिव में आपको डिफरेंस बताना बता चाहिए ठीक है इसके टाइप्स बतानी चाहिए एंड इसको एक भी वो पूछते हैं और पूछते हैं कि ये प्रेसिव मटेरियल है कि नॉन प्रेसिव मटेरियल है ठीक है तो इन दोनों मटेरियल्स के बारे में आपको पता ठीक है देन इलेक्ट्रोलाइट पॉजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है ठीक है ये आपका एस सी क्यू क्वेश्चन है ये आपको यू क्यू आ चुका हुआ है ठीक है उसके बाद देन जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हुई हैं और बता नहीं रही आपको साथ साथ जो वीडियो जाएं, जाएं, है वीडियो हाँ पास करके मार्क करते जाएँ लिखते जाए ठीक है आपके लिए ईजी हो जाएगा बर्निशिंग इसकी डेफिनेशन इसके जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको पता होने चाहिए ठीक है उसके बाद हमारे पास पास रहती हैं टेक्निकल कंसिड्रेशन प्रोसीजर्स एयर पार्टिकल रिलेशन टेक्निक ये हमें आया था लास्ट टाइम एनुअल में ठीक है और ये यह यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है फिलिप्स पे लिखा हुआ है ठीक है इसको मैंने शॉर्ट नोट एज ए लिखा हुआ है यहाँ पे यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने जो सारे नोट्स हैं इनके बारे में वीडियो बताती हूँ ठीक है अभी आपको मैं यहाँ से मांग करवा दूँ जो चीज़ आपने यहाँ से और शिमला से करनी है ठीक है इस बुक से ठीक है उसके बाद मैथड्स ऑफ अप्रेशन मैनुअल होते हैं रिटेचरी होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपने बस एक रीड दे लेना ठीक है इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है वैंड एंट्राइसिस का आपको डेफिनेशन बतानी चाहिए फंक्शन बताना चाहिए क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो फैक्टर

ठीक है उसके बाद दिन हमारे पास आ जाता है वाइटनिंग एंड ब्लीचिंग टूथपेस्ट में आपको बस पढ़ने हार्डी सेंसिटाइजिंग पेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है इसके आपको डेफिनेशन बता होनी चाहिए इसके जो फंक्शंस लिखे हुए हैं मेथड्स लिखे हुए हैं ये आपको पता होने चाहिए ठीक है ये पेपर में भी आपको आ चुके हैं फिर अप्रोफिलिटिक एड्रेसिव इनकी डेफिनेशन एंड फंक्शन पता होने चाहिए ठीक है उसका प्रोफाइलिटिक जेट क्या है इसके सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए ठीक है अगर आपको वाई में पूछा जाए या डेफिनेशन आज कुछ लिख सकें ठीक है उस पर डेंचर क्लिन क्लिनजर्स डेंचर क्लेसनर्स भी जो है इनकी बस वेस तो, यार को तो है तो या आपको थोड़ा सा बताना चाहिए सो क्लीन ब्रशिंग ठीक है इसको भी डस्ट क्वीड आउट कर लेना ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हम बात कर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है यहाँ से जो मैंने नोट्स लिखा हुआ है ये मैं सर आपको जो है वो डिटेल में बता दूंगी ठीक है कि किस हिसाब से उसको याद करना है ठीक है सो so, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कैब जाएगा ठीक है और जो भी कोई वीडियो वो को आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और क्रिटिकल क्वेश्चन के बारे में भी आप पूछ सकते हैं एंड दैन जो टेस्ट हैं मैं ले रही आप वो भी टेस्ट दे सकते हैं इन शाला आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा ठीक है थैंक यू सो मच